brought to you by Hire and ITIL. कुछ 2,40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक टापू जिसने दुनिया भर के कई देशों में अपनी कॉलोनियां बनाई, या कहें 400 साल के इतिहास वाला ब्रिटिश साम्राज्य बनाया, जो साल 1922 में अपने चरम पर था। दुनिया ने इससे बड़ा साम्राज्य कभी नहीं देखा। धरती का करीबन चौथाई भूभाग और 45 करोड़ लोग इसके अधीन थे। तभी कहावत चली कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता था। इसी सूरज के उजाले में तमाम लूट को भी अंजाम दिया गया। भारत से तमाम राजाओं की कीमती चीज़ें, मिस्र से पिरामिड्स का खजाना और ग्रीस से कीमती मूर्तियां सब आज ब्रिटिश संग्रहालय में मिलते हैं। साल 2022 में ग्रीस के कल्चर मिनिस्टर ने इसे खुलेआम की गई चोरी बता दिया था। संग्रहालय के अपने तर्क हैं, कभी कोई संधि या कभी किसी दस्तावेज का हवाला देकर इन सब पर अपना हक बता दिया जाता है। ब्रिटिश संग्रहालय अकेला नहीं है जहां दूसरे देशों की बेशकीमती चीज़ें हैं। यहां के राज परिवार के पास भी तमाम ऐसी बेशकीमती चीज़ें हैं। कोहिनूर हीरा इसका सबसे चर्चित उदाहरण है, जिस पर कई देश अपना दावा ठोकते रहे हैं, पर यह उस दौलत का छोटा ही हिस्सा है जिससे ब्रिटिश घराना फला फूला। इस बारे में शशि थरूर का बयान भी काफ़ी चर्चा में आया था, जब उन्होंने कहा था, ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबा क्योंकि अंधेरे में भगवान भी अंग्रेज़ों पर भरोसा नहीं कर सकते थे। मिस्र से लेकर ग्रीस और भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से कीमती चीज़ों को ब्रिटेन ले जाया गया, कुछ संग्रहालयों में पहुंचा और कुछ कहीं और। पर आज के ब्रिटिश राज परिवार के पास कितनी दौलत बची है, कितने महल हैं, दूसरे देशों के कीमती सामानों का क्या हुआ और ब्रिटिश राज परिवार पैसा कैसे कमाता है, जानते हैं आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है, आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी ब्रिटेन के राज परिवार की दौलत की। ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद चर्चा राज परिवार की संपत्ति की भी हुई कि आखिर कितना पैसा उनके उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। फोर्ब्स ने इसका एक अंदाजा भी बताया, रॉयल फर्म की संपत्ति का आंकलन $28 बिलियन आंका गया। आज के हिसाब से रुपयों में बदलें तो आंकड़ा करीबन 235,000 करोड़ रुपए बैठेगा। इसमें बकिंगम पैलेस की कीमत कुछ 41,000 करोड़ रुपए आंकी गई, वहीं द क्राउन एस्टेट यानी जमीन वगैरह के लिए ये आंकड़ा 163,000 करोड़ रुपए रखा गया। लेकिन यह मामला इतना सिंपल नहीं है, इसके अलावा भी ब्रिटिश क्राउन यानी राजा के नाम तमाम संपत्ति हैं, कीमती जेवरात हैं, जिनकी कीमत का अंदाज़ा लगाना भी एक्सपर्ट्स के लिए मुश्किल है। एक एक करके इन सब के बारे में आपको बताते हैं। द क्राउन स्टेट, जिसे मोनार्की PLC भी कहा जाता है, एक तरह की कॉरपोरेशन है जो आज ब्रिटिश राजा की ज़मीनों पर अधिकार रखती है। राजा की तरफ से एक इंडिपेंडेंट काउंसिल इसे चलाने में मदद करती है। टेक्निकली वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड की तमाम ज़मीनें क्राउन स्टेट से ही जुड़ी हैं। कुछ ब्रिटिश समुद्र तल पर भी इसका अधिकार है, पर मामला थोड़ा सा पेचीदा है क्योंकि इसके मुनाफे का सारा पैसा राजा को नहीं जाता है, बल्कि अपना पूरा मुनाफा सरकार को देते हैं और फिर इस मुनाफे का 25% सॉवरेन ग्रांट के नाम पर राजशाही के काजों के लिए दे दिया जाता है, ताकि तमाम किले और महलों वगैरह की देखभाल की जा सके। इसी का एक हिस्सा डची ऑफ कार्नवेल भी है, जिसकी कीमत कुछ 8,000 करोड़ रुपए आंकी जाती है और इस पर सीधे सीधे राजा का अधिकार होता है। ये भूभाग दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के समुद्र तट से होते हुए ओवल क्रिकेट ग्राउंड तक फैले हैं। ऐसी एक जमीन डची ऑफ लैंकास्टर भी है, जिसकी कीमत डची ऑफ कार्नवेल से थोड़ी ही कम बताई जाती है। ये तो हो गई ज़मीनें, अब बात करते हैं ब्रिटिश राजवंश की सबसे जानी पहचानी इमारत की। बकिंगम के ड्यूक के लिए ये महल साल 1703 में बनाया गया था, जो आज ब्रिटिश राजवंश का जाना माना चेहरा है। साल 1761 में किंग जॉर्ज तृतीय ने इसे अपने हक में कर लिया और तब से राजवंश यहीं रह रहा है। यही वो जगह है जहां तमाम लोग राजा से मिलने आते हैं। यहीं प्रिंसेस डायना की प्रेस से बातचीत चर्चा में आई थी, जब फोटो खिंचवाते हुए राजकुमारी ने मजाक में कहा था कि ये मेरे ऑफिस यानी महल में एक आम दिन है। यहीं साल 1982 में एक घुसपैठिया घुसा था। दरअसल रानी सोने ही जा रही थी कि माइकल फैगन नाम के एक शख्स ने दीवार फांदी, पाइप से रानी के प्राइवेट अपार्टमेंट में घुसा। फैगन ने रानी से एक सिगरेट भी मांगी, पर फिर रानी ने अलार्म बजा दिया, जिसके बाद वो पकड़ा गया। उसे महल से एक वाइन की बोतल चुराने के मामले में छोड़ तो दिया गया, लेकिन उसने कार चुराने का एक जुर्म जरूर कबूला, जिसके बाद उसे कड़ी सुरक्षा वाले एक मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल भेज दिया गया।
बहरहाल ये महल ऐसी तमाम वजहों से चर्चा में आता रहता है। ये पर्यटकों का भी पसंदीदा रहा है और इसकी कीमत करीबन 5 बिलियन डॉलर आंकी जाती है, रुपए में करीबन 42,000 करोड़ रुपए। अब आते हैं हीरो पर। क्वीन एलिजाबेथ के मुकुट में लगा कोहिनूर हीरा, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, दुनिया में तराशे गए सबसे बड़े हीरो में से एक। हालांकि ये आया कहां से, इस पर अभी भी डिबेट जारी है, पर लिखित ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक पहले ये मुगल साम्राज्य के मयूर सिंहासन में लगा था, वो सिंहासन जिसे बनाने का आदेश शाहजहां ने साल 1628 में दिया था। ऐसा सिंहासन जिसमें तमाम कीमती पत्थर जड़े थे, जिसे बनाने में 7 साल लगे। दरबारी अहमद शाह लाहौरी इस सिंहासन के बारे में लिखते हैं, बाहरी छतरी को हाथी के दांत से बनाया जाने वाला था, जिसमें कीमती नगीने जड़े हों और कॉलम में नग जड़े दो मोर और मोर के बीच एक पेड़ जिस पर रूबी हीरे और मोती वगैरह जड़े रहे। इन सब में से सबसे कीमती शायद कोहिनूर ही था। बहरहाल इस हीरे के भारत से लंदन पहुंचने की कहानी भी है, पर वो कभी और। वहीं अगर इसकी कीमत की बात करें तो सीधा जवाब होगा, कीमत लगाना बहुत मुश्किल है। दरअसल ये उन चीज़ों में से है जो दुनिया में एक ही है। इसके साथ इतिहास और कई देशों के दावे भी जुड़े हैं जो इसे और ज़्यादा कीमती बनाते हैं। कई बार तो इसकी कीमत 20 बिलियन डॉलर लगा दी जाती है, कुल मिलाकर कहें तो बहुत ही ज़्यादा। अब थोड़ा किलों पर चलते हैं। बॉलमोरल किला भी राजा की निजी संपत्ति है, जो कि स्कॉटलैंड के एबरडीन शायर में मौजूद है। इसे क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने खरीदा था और फिर ये चार्ल्स द्वितीय को सौंप दिया गया। यहीं क्वीन एलिजाबेथ ने अपनी आखिरी सांस ली थी। ऐसा ही एक किला विंसर का किला है। आंकी गई 57 करोड़ डॉलर कीमत का विंसर किला दूसरे विश्व युद्ध में राजसी परिवार की छत बना था। ब्रिटिश राजघराने के कब्जे में ये करीबन 1000 सालों से है। एक और महल भी है, पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर, जिसे बिग बेन के जाने माने टावर से पहचाना जा सकता है। ये ब्रिटेन का हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट भी है, लेकिन टेक्निकली ये पूरी की पूरी इमारत ब्रिटिश राज परिवार के हक में है और अंग्रेजी संसदी सरकार को लोन में दी गई थी। सदियों से यह इमारत वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि संसद के 2 सदनों के तौर पर काम करती रही है। ब्रिटिश राजघराने की बात चल ही रही है तो राजकुमारी डायना की चर्चा भी की जानी चाहिए, या कहें कि इनकी अंगूठी की चर्चा जरूर होनी चाहिए। दरअसल परंपरा के मुताबिक अपनी एंगेजमेंट रिंग उन्होंने राज खजाने से नहीं चुनी थी, बल्कि एक जौहरी के यहाँ से बनवाई थी। इस पर बाद में काफ़ी विवाद भी हुआ, लेकिन लोगों को ये कदम खासा भाया। डायना की पॉपुलैरिटी के बाद इस अंगूठी की कीमत भी बढ़ी और लोगों को बड़े सफ़ायर नकी अंगूठी खूब भाई। और जब राजकुमार विलियम ने कैथरीन को प्रपोज किया तब अपनी माँ की इस अंगूठी का इस्तेमाल किया था। साल 2014 में इसकी कीमत $5 लाख लगाई गई थी। इसकी कल्चरल वैल्यू तो है, पर ये शायद इतनी कीमती नहीं है जितना राज तिलक के समय के गहने, जिनमें एक हार और झुमके शामिल हैं। ये रानी विक्टोरिया के समय में बनाए गए थे और इनमें कोहिनूर के हीरे के हिस्से भी हैं। रानी एलिजाबेथ II ने भी अपने राज तिलक के वक्त इन्हें पहना था और अपने जीवन काल में कई बार पहनती रही हैं। इनकी कीमत 3,45,000 डॉलर लगाई जाती है। ये तो जवाहरात हो गए, इनके खजाने में कीमती अंडे भी हैं। फैबर्ज एक प्रसिद्ध जवाहरात बनाने वाला स्टूडियो था, जिन्होंने कभी प्रसिद्ध फैबर्ज अंडे बनाए थे। दरअसल ईस्टर के त्यौहार में अंडों का खास महत्व होता है, इसलिए रशिया के जार निकोलस द्वितीय ने इन्हें बनवाया था और बनाने वाले थे पीटर कार्ल फैबर्ज। इन अंडों को बेहद कीमती माना जाता है और ये कुछ 57 ही बचे हैं, जिनमें से 4 ब्रिटिश राज परिवार के पास हैं और बकिंघम पैलेस में रखे गए हैं। इसके अलावा राज परिवार से जुड़ा और भी सामान है जिसकी कीमत आंकना बहुत ही मुश्किल है, जैसे कि ब्लैक प्रिंस का रूबी। ये एक मुकुट है जिसमें बेहद बड़ा सुर्ख लाल नगीना जड़ा है और भी कई कीमती तराशे नगीने लगे हैं इसमें, पर इसकी भी कीमत आंकना मुश्किल है। इन सबसे इधर तमाम सोना चांदी, कीमती ड्रेस, तमाम फेमस पेंटिंग्स, यहाँ तक कि फेमस पेंटर लियोनार्डो दा विंची के बनाए सैकड़ों चित्र भी इनके पास हैं। कई मुकुट, पार्क और महलों पर भी राज परिवार का निजी हक है। वहीं राज परिवार को कोई विरासत कर भी नहीं देना पड़ता, यानी टैक्स में छूट मिलती है। एक जगह ब्रिटिश संग्रहालय भी है जहां तमाम देशों से आया सामान लाकर रखा गया है। हालांकि वो राज परिवार से अब सीधे संबंधित नहीं है, पर एक वक्त पर इसमें लाया गया सामान जरूर राज परिवार की देन है। खैर वो मसला किसी और एपिसोड के लिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। इसे लिखा था हमारे साथी राज विक्रम ने। आपको कैसी लगी है जानकारी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी देश दुनिया के अंदर खबरों के लिए देखते रहिए दिल लंडो। शुक्रिया।